आदमी टाइम से पहले बूढ़ा हो जाता है, टाइम से देख थोड़े बाढ़ आते हैं, ठीक है। लेडीज ना टाइम से पहले बूढ़ी होती और यंग लगती है। अंबोक से जाके सर सर हाथ जोड़ उठ के मैं तो कोई और ढूंढ लो, फिर मैं से जॉब लूं। जॉब से ही करवाऊंगा, इसी घर में जाके झाड़ू पोछा मार। मैं झाड़ू पोछा मार। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, आज का प्रैंक का सीन ये है, भाई अपनी वाइफ के ताने सुन के ना मैं इतना परेशान हो चुका हूँ ना कि आप तो केवल जॉब करके आते हो, घर का काम हमें करना पड़ता है। आपको क्या मालूम घर में कितनी परेशानी होती है, क्या क्या सामान लेके आना पड़ता है। ये चीज़ें सब जानते हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और जिनकी नहीं हुई है उन्होंने घर पे अपने मम्मी पापा को भी देखा होगा कि घर में क्या क्या झगड़ा होता रहता है। तो आज मैंने प्लान बनाया है, तो इसी चीज़ के ऊपर आज मैं ज्योति के साथ करूँगा प्रैंक। तो ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो में मस्त मजा आने वाला है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें, और ऐसे ऐसे मजेदार वीडियो लेके आते रहेंगे। तो चलते हैं अंदर और करते हैं बूम बूम। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। Hour later. इतनी जल्दी कैसे आ गए? पानी ला दो। क्या हो गया? इतनी जल्दी कैसे आए? ड्यूटी से ठंडा नहीं लगा पानी? नहीं, ठंडा यार, गला खराब हो जाना। क्या होता है? ये परेशान क्यों हो रहा है? यार परेशान है। पानी पी लो। क्या टेंशन? टेंशन की तो बात ही है। क्या? मैं नौकरी छोड़ दी। हैं? नौकरी छोड़ दी मैंने। नौकरी छोड़ क्या दिया यार? निकाल दिया। ऐसे कैसे निकाल दिया? बात तो वही है, मैं छोड़ दिया, मैंने निकाल दिया। काम तो ऐसे कर दिया मेरे साथ यार। क्या हो गया? मुस्कान को रखा था जॉब के साथ में। अब हुआ ये, मैनेजर को क्या है कि तुझे मालूम मुस्कान को कपड़े वैसे पहनती है, शॉर्ट्स को पहनती है थोड़े वो, और वो फिर दिखने में भी थोड़ी अच्छी है वो। मैनेजर को वो आगे पसंद। अब ये देखिए वो मेरे साथ में करती थी काम, ठीक है। तो मैनेजर ने अभी उसकी नज़र पर, तुझे मालूम है कि लास्ट टाइम भी जब पंगा हुआ था मैनेजर का, उसका कैसा करेक्टर है, तो उसके अब वो उसके ऊपर डोरी डालने लग गया। अब दिक्कत यह आ रही कि वो मेरे साथ जो साथ में काम करती है, अब मैंने जो कि ये दिक्कत है कि ये इसके साथ ज़्यादा बैठती है, और कुछ भी काम होता ना तो रविंद्र ही मेरे पास आता है, ये नहीं आती। तो उसने अब क्या किया कि वो मुझे ना अब डाउन करने लग गया उसके सामने, किसी किसी छोटी छोटी बात पे ना ये बोल देता, रविंद्र तुमने ये नहीं किया यार, तुमने ये डॉक्यूमेंट नहीं अपने, तो जान कुछ उसके सामने जलील टाइप करता है यार। तो मैं इतना परेशान हो गया, मैंने समझाया मैं सर ऐसा। हाँ तो बोल देते, कोई बात नहीं, एक बार कहते सर प्रॉब्लम क्या है बता तो देते, जॉब छोड़ने से पहले बात डिस्कस तो करते उनसे। क्या सर क्या डिस्कस किया? मैंने मैं बता रहा हूँ, मैंने बहुत हुआ, मैं पहले में जाकर मिला उनसे, तब हुआ, तब उन्होंने मुझे सब क्लियर बता दिया कि भाई मैं तुझे नहीं रखना चाह रहा। अब मैं समझ गया क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन था नहीं, वो जिस चीज़ की उम्मीद कर रहा था वो सारा काम मैंने प्रॉपर करके दिया था, पर वो जानबूझ के मुझे, मैं ये सोच लिया था कि मुझे निकालना ही चाह रहा है। मैंने पहले बोला था कि मुस्कान ना माँ जो मत दिलाओ, अपने पैर को कुल्हाड़ी आपने खुद मारी है, ठीक है। अब मुझे मालूम थोड़ा था यार ये सब हो जाएगा, कोई बात नहीं, कह दिया आपके दोस्त ने, कह दिया जो भी आप एक बार सॉरी बोल देते कहते सर ठीक है। अरे बात सॉरी बोलने की थी नहीं, तो सॉरी बोलने से सॉरी तो बोलो ना, कुछ मौका दे। जब मैंने काम करके दे रहा हूँ सारा का सारा, वो जानबूझ के उसमें वो चाहिए रहा था कि इसको हटा दूं मैं कैसे ना कैसे। अब उस बात पे से हो गया झगड़ा, तो मैंने मैं ठीक है मैं छोड़ दी, मैंने जो मैं क्या करूं मैं? आप खुद रिजाइन लेके आ गए। अब ये बता, या वो मुझे हर वो निकालता, वो निकालते वो अच्छा लगता है, मैं अपने आप छोड़ के आ जाऊं अच्छा रहेगा। कॉम्प्रोमाइज आप कर लेते हैं यार। अबे यार खेल दो कॉम्प्रोमाइज, तू भी मेरा सर खा ले मेरा। एक तो वो भागो उसने परेशान कर रखा मुझे, अच्छा छोड़, अरे घर आके तू दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। घर में लुकाई है यार उधर वो बॉस। चुप पहले अपने जगह ये डिसीजन आप खुद लो ना। मैं कौन हूँ डिसीजन, मैं अपनी जिंदगी डिसीजन, मेरे डिसीजन तो उसने ले लिए ना। नहीं एक बात बताओ आप, आपको मैंने बोला था जब मुस्कान को जो खिलाती, मुस्कान को जो मत दिलाओ उधर, नहीं मेरी फ्रेंड है यार, नहीं मेरी फ्रेंड है, अपने पैर पर खिलाड़ी खुद मार लिया आपने। ऐसे तो था मुस्कान ने क्यों नहीं छोड़ती साथ में जॉब, वो भी छोड़ देती। अब अपना बताओ, आप छोड़ का गया, हम अपना क्या करेंगे, अब हमारा क्या रह गया। पैसे की बिना जिंदगी नहीं चलती, सब पैसे चल है। मालूम है ये तो मुझे ठीक है, ज्यादा की जगह कम खर्चा कर लेते हैं, लेकिन पैसा तो चाहिए। अब यार मैं उस टाइम ये नहीं मालूम, मैं सोचा वो बंदे उसकी हेल्प कर दूं, मैंने ये सोचा था, मुझे ये नहीं मालूम था वो हेल्प मेरे लिए इमोशनल बन जाएगी यार। अगर मुझे इतना मालूम होता मैं क्यों किसी की हेल्प करता यार। ज्यादा करता देखा होगा आप, बॉस में देख लिया होगा मुसाहिब को ज्यादा। जब एक टेबल है उस पे दो चेयर है, दोनों हमें की टेबल पे काम करते हैं तो क्या उसमें क्या गलत हो गया, तो हम साथ में काम कर रहे हैं तो क्या गलत था। नहीं नहीं गलत नहीं, मैं आपके ऊपर कुछ नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूं तुम भी मुझे मालूम है तेरी भी क्या सोच है, मुझे सारा मालूम है। मेरी बात सुन ले, मैं बोलिया दिमाग खराब हो गया मेरा, मेरे को परेशान मत कर, मैं नहीं सुनूंगा। आप मेरी बात सुन, मैंने छोड़ दी है नौकरी, हां तो आप क्या करेंगे बताओ। आप करेंगे कुछ नहीं करेंगे, मैं बता दिया। आप चलेंगे सोनीपत, घर जाएंगे और उधर जाकर बहुत ताने मारती है ना। मेरी बात सुन, चुप बात चुप बोले कि चुप हो जा, वहां जाकर उसकी सुनता रहूं मैं। अरे यहाँ से तेरी सुनूंगा मैं पागल हो बना रखा हूँ, बिल्कुल भी दिमाग खराब कर रखा मेरा, इंसान हूँ मैं। फिर काम का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल रहे हो आप। फिर तुझे मेरे साथ जो आपने छोड़ दी, जो किसकी वजह से छुट्टी वो आपने पता है, तो मेरे ऊपर क्यों इतना वो कर रहे हो। मेरे से ऐसी क्यों कुछ नहीं करी, मेरे ऊपर ही छुट्टी हूँ। मेरी बात सुन ले, अब घर कैसे चलेगा, अब घर चलेगा, घर चलेगा मैं बताता हूँ कैसे चलेगा। ठीक है घर चलने के बाद बताता हूं, पहले दूसरी जॉब ढूंढते हैं उसके बाद में छोड़ते हैं। मेरी बात सुन, दूसरी जॉब मैं बाद में ढूंढूंगा, मुझे कोई लेना देना है दूसरी जॉब से। मेरी बात सुन, अभी हम जाएंगे सोनीपत, ठीक है। बहुत ताने मारती है ना मेरे ऊपर कि मैं घर का ये काम करती हूँ, मैं बच्चों का करना पड़ता है, ये करना पड़ता, बहुत करती है, ठीक है मैंने देख लिया। अब आगे से मैंने 10 सालों की नौकरी करते हुए, ठीक है। अब घर पे जाके मैं यानी कि घर का सारा काम करूंगा, बच्चों को संभालूंगा, अब नौकरी तुम करोगी। मैं क्यों करूंगी, मैंने कभी की आज तक मैं जॉब को नहीं। मुझे तो ये लग रहा है ना बहुत इजी है, ये तो अपना एंजॉय करके आते हो उधर आराम से मस्त। अब मेरी बात क्लियर है, मैं घर का काम करूंगा, घर बार मैं संभालूंगा, अब नौकरी बन जाएगी। मैंने कभी जॉब नहीं की तो मैं कैसे करूंगी यार। यही चीजें तो मैं बोलता था, तो मैंने घर का कभी काम नहीं किया और तू मेरे ऊपर कहती थी मेरी हेल्प निकलवाते करवाते। ये आपकी गलती में आपने नौकरी छोड़ी है। मेरी गलती, मेरी बात सुन ले, अभी मुझे मालूम है ना, अब भी मेरी गलती, तू भी मेरी गलती निकाल, उधर बॉस भी मेरी गलती निकाल रहा है, मेरी जब गलती नहीं है। पहली बात ना सुना, मेरी बात सुन, आप है ना जाकर सॉरी बोल दो बॉस में, और मेरी बात सुन, तू अपना पीछा मत छुड़वा। मेरी बात सुन ले, मैंने छोड़ दी है, अब मैं उससे जाके सर हाथ जोड़ उसके पैर पकड़ू मैं, तो कहीं और ढूंढ लो, फिर मेरे से जॉब नहीं होगी। जॉब सही करवाऊंगा, बहुत दिन हो गए, ठीक है ताने मारते मारते मेरे ऊपर। यार मेरे से जॉब नहीं होगी, अब जॉब मैं आराम से बात कर लूं यार, मैं घर में काम कर लूंगी, जिसका काम हो उसको ही ठीक है। अब आपने जॉब, अगर मैंने जॉब की होती ना पहले तो मैं जॉब कर लेती। कितना बोलती थी, अब क्या हो रहा है, अब क्यों। तो मैं इसलिए बोलती थी कि मैं घर में सारा दिन काम करती हूँ, ये नहीं है कि आप जैसे जॉब करके आए तो 4 घंटे में लगाकर रेस्ट करके, मैं उसमें रेस्ट नहीं करती, मैं उसमें काम करती हूँ, ये बात वही काम मैं करूँगा घर पे, ठीक है। अब जॉब करके आएगी, जॉब करके आने के बाद फिर मैं कहूँगा ज्योति थोड़ी मेरी हेल्प करवा दे, फिर मालूम चलेगा कि आदमी के साथ प्रॉब्लम से उसको गुजरना पड़ रहा है। शाबाश, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तुम्हें तो ये लगता है कि ड्यूटी पे जाता है जाके आ जाता है, तो मैं झाड़ू करती हूँ, पोछा करती हूँ, 3 दिन टाइम खाना बनाती हूँ, इतना करती हूँ। मैं बोलिए बहुत परेशान हूँ, मैं हद से ज्यादा परेशान हो गया हूँ। अब मैंने सोचा मैं थोड़ा रिलैक्स दे। एक चीज नोटिस करिए, आदमी टाइम से पहले बूढ़ा हो जाता है, टाइम से देख धोड़े बाढ़ आ गए, ठीक है। लेडीज ना टाइम से पहले बूढ़ी होती और यंग लगती है, वो मैं समझ गया, क्योंकि कोई टेंशन तो होती नहीं, पैसा कमाना नहीं, घर पे अपना फ्रेंड के साथ घूमना, अब ये सारे काम मैं करूंगा, आगे से घर बार मैं संभालूंगा। चुप पहले आप ये बताओ, मेरे को जॉब नहीं करनी है, मैं घर के काम भी आपने करूंगी, ये बता। मैंने तुझे और मैं जॉब क्या करूंगी ये बता। हां मैंने तुझे ब्यूटी पार्लर का काम सिखाया नहीं सीखा, वो तो मैंने अपने लिए सीखा था, सिखाया नहीं सीखा। सिलाई मशीन का काम सिखाया नहीं सिखाया, तो 2 ऑप्शन है ना तेरे पास, दोनों में से चाहे कुछ भी कर, या अगर किसी बस की नहीं है ना, चाहे तो किसी घर में जाकर झाड़ू पोछा मार। मैं झाड़ू पोछा मारूंगी। क्यों, क्या हो गया? अब क्या और भी इतनी भड़क रही है? क्यों मारूं मैं झाड़ू पोछा? पर तुमने क्यों आज तक अहमियत नहीं दी मुझे? मैं अपने घर में काम कर रही हूं, झाड़ू पोछा मैं आज झाड़ू पोछा की आज बात आ रही है। तुमने आज तक मुझे अहमियत क्यों नहीं दी? मेरी नौकरी की जो मैं इतना करके आया, मेरे ऊपर क्यों लोड डाल रहे थे? मैंने डाला है। हाँ। अपनी गलती मत छुपाओ, अपनी गलती को छुपा के मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। ठीक है, सॉरी को चलो, सुबह सारा सामान पैक करके, हां सारा सामान पैक करके घर चले गए। लेकिन मैं जॉब नहीं करूंगी यार, मैं घर का काम कर लूंगी। आप करो यार, तुमने आज तक क्यों नहीं हमें दी? मुझे तक मेरी बस की नहीं है जॉब करनी। अहमियत दे रखी है, क्यों नहीं दे रखी? क्या नहीं दे रखी बताओ? एक ही बात पे होगी, अगर तू चाह रही है कि मैं जॉब करूं तो एक ही कंडीशन होगी। क्या कंडीशन? मैं जब भी जॉब से आऊंगा मुझे या छुट्टी होगी उसमें मुझे ये नहीं बोलेगी कि मेरा घर का हेल्प करवा दो, घर के काम करवा दो। ये कंडीशन होगी तो मैं जॉब करूंगा। बात क्यों? मेरी किस दिन छुट्टी हो गया? थोड़ी सी हेल्प करवा दियो, कर लो ना, फिर जॉब कर लो। ठीक है, नहीं बोलेगी पक्का? मेरी एक कंडीशन। क्या? मुस्कान के चक्कर में नहीं पड़ेगा। मुस्कान के चक्कर में? यार मुस्कान साथ में काम करती है। अरे अब तो मैं हूं ही नहीं वहां पे, अब क्या फायदा मुस्कान की? मैं इधर वो उधर अम्मा को कहीं ढूंढूंगा। ठीक है, पहले ये बता, क्लियर है ना? फिर से काम नहीं करवाएगी? मैं नहीं करवाऊंगी। जॉब कैसे ढूंढोगे आप? ये बताओ, जॉब छोड़ दिया आपने यार। पहले प्रॉमिस कर दी वो नहीं करेगी, फिर से काम नहीं करवाएगी। प्रॉमिस है ना? पक्का? ठीक। सुन, उस साइड मुंह फिर ऊपर देख तो उसको बहुत खाएगा ही। जल्दी बोल ना, वहां पे उस साइड। अरे यार तू छोड़, नहीं तो टाइम वहां पे बोल। तो गाइस देखो, इसने मेरा प्लान बना दिया। अब बोल ले ना। बोलूं क्या? देख रहे हैं, देख रहे बोल। तो गाइस देखो मेरे साथ फिर प्रैंक बना दिया। तो देखो गाइस मेरे साथ फिर प्रैंक बना दिया। और ये प्रैंक के अंदर का प्रॉमिस है, काम तो मैं करवाऊंगी। तो गाइस नहीं, नहीं 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 काम तो आपने इसने प्रॉमिस किया। और एक और सुन न्यूज़ मेरी, मैं जॉब नहीं छोड़ी मैंने, मेरा प्रमोशन हो गया है। ठीक है, और मुस्कान मेरे साथी है और एक ही टेबल पे हम दोनों। ठीक है, और मेरा वैसे को चेक कर दिया है ना, तो आप छुड़वा दोगे? अब दिला देगा आपको बोल रहे, देख लियो। बॉस की एज भी 55 है। ठीक है, हां तो बेचारा बुढ़ापे में ये काम करेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। इधर से कुछ बोलेगा मेरे बारे में नहीं, बहुत हो गया।